राजधानी में स्काई वॉक को लेकर सियासत गर्माती ही जा रही है। स्काई वॉक मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि स्काई वॉक का फैसला जनता करेगी कि आगे उसके साथ क्या करना है। साथ ही मौजूदा सरकार का कहना है कि स्काई वॉक पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूरत के जिद का नतीजा है। स्काई वॉक में थने घमासान को लेकर मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की है सत्य राजपूत ने। स्काई वॉक को लेकर मतभेड़ जारी है, राजनीति गर्म आ गई है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी है। मंत्री जी, स्काई वॉक को लेकर जो सर्वे चल रही है, अब तक क्या उसका पता चला? मीटिंग में हम लोग सामने अधिकारी प्रस्तुत करेंगे, अभी मीटिंग हुआ नहीं है। जैसे उनका सर्वे का डेट खत्म हो गया है, सर्वे करने के बाद कितने लोग क्या क्या बोले उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके फिर मीटिंग का डेट तय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग रहेंगे और जितनी जानकारियां अब तक आई हैं उसके हिसाब से उसको निर्णय ले लिया जाएगा जी। अभी जैसे जनता की राय ले रहे हैं तो क्या पहले इसको बिना राय लिए ऐसे ही मनमानी तरीके से बनाया गया? पिछले सरकार ने क्या किया था उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो राय लेख बनाए थे, बिना राय बनाए थे, वो मैं नहीं जानता। जरूरत क्यों पड़ी सर्वे कराने की? सर्वे कराने की इसलिए जरूरत पड़ी कि काफी बन चुका है, काफी पैसा लग चुका है और लोग उस समय कह रहे थे कि गलत बना है, गलत ढंग है, थोड़ा जाए। तो इसलिए राय मशविरा कराया गया कि इसको बनाया जाए कि तोड़ा जाए, पब्लिक क्या चाहती है। अगर रखें तो क्या उपयोग करें, तोड़ें तो क्या उपयोग करें, ना तोड़ें तो क्या हो। मूल है जनता की सुविधा, जैसा चाहेगी उसके अनुसार निर्णय होगा। जैसे कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनका कहना है कि आप भविष्य की योजनाओं को देखकर इसका निर्माण किया गया था, तो अच्छा है ना। तो उसमें हम लोग कहाँ अपनी ओर से कुछ कह रहे हैं। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि जनता जो चाहेगी उसके अनुसार होगा, हम अपनी ओर से कोई ऐड नहीं कर रहे हैं कोई चीज। तो अभी आपने सुना गृह मंत्री जी को, जिनका साफ कहना है कि ये भविष्य को देखते हुए, लोगों की योजनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा ताकि जनता को परेशानी ना हो। और जिस तरह से ये निर्माण किया गया, जो समय रहते निर्माण कार्य पूरी नहीं हो पाई है, इसमें उचित कार्रवाई करते हुए आगे बैठक में फैसला लिया जाएगा। कैमरा मैन राहुल के साथ सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।